अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाइल कर दिया है? क्या आप भी बेनज़ीर का सर्वे करवाना चाहते हैं? क्या आपके बच्चों को भी हुकूमत की जानिब से तालीमी वज़ाइफ का कोई भी SMS नहीं आ रहा है और आप हुकूमत की जानिब से तालीमी वज़ाइफ के पैसे हासिल करना चाहते हैं? यूट्यूब पर आपको पता है कि काफ़ी लोग कॉन्टेंट अपलोड कर रहे हैं, काफ़ी लोग वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अथेंटिक खबर कोई भी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है। आपको ये कहते हैं कि ये काम करेंगे आपको पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं प्रैक्टिकल पेमेंट भी आपको चेक करके बताऊंगा और साथ ही साथ आपको सर्वे करवाने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन दूंगा, जिसके जरिए आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए इजीली आप अपना क्या कर सकते हैं, पेमेंट को हासिल कर सकते हैं। लेकिन हासिल किस तरह करेंगे उसके वाले से मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं, बाकी बातें आपको वहां पर बता दूंगा कि आप इन प्रोग्राम में किस तरीके कार के जरिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलेगा, बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो बढ़ लेते हैं। तो फाइनली गाइस, जैसा कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके कार के जरिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अपने मोबाइल के जरिए सर्वे करवा सकते हैं और दूसरा आप किसी भी BISP प्रोग्राम की जो पेमेंट है उसको चेक कर सकते हैं। और साथ में आपको पता है कि आज कल तालीमी वज़ाइफ की जो पेमेंट है वो भी मिलना स्टार्ट हो चुकी है, वो भी आप किस तरीके कार के जरिए अपनी पेमेंट को फाइंड कर सकते हैं, उसके वाले से आज के इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। लिहाजा आज के इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपने अपनी पेमेंट को चेक किस तरह करना है, अपनी हालत को चेक करना है किस तरह करना है। यहां पर आपने अपना जो कौमी शिनाख्ती कार्ड नंबर है यहां पर आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी से वो आपने टाइप कर देना है। यहां पर मेरी एक बहन का एक शिनाख्ती कार्ड नंबर है, मैं वो जल्दी जल्दी से यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसकी पेमेंट चेक करके बताऊँगा कि चेक किस तरह करनी है। यहाँ पर जैसे आप अपने शिनाख्ती कार्ड नंबर लगा देंगे उसके बाद नीचे आपके सामने नीचे एक कोड नजर आता है जिसको कैप्चर कोड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, कैप्चर कोड को आपने जल्दी से क्या करना है, लगा देना है। लगाने के बाद आपने मालूम करे हुए जैसे ही टाइप करेंगे फौरी तौर पर आपकी अहलियत के बारे में आपको गाई दी जाएगी, आपको इस प्रोग्राम की जानिब से नाइल किया गया, आपको इस प्रोग्राम की जानिब से नाइल किया गया, सारी की सारी आपको यहाँ पर आगाही दे दी जाएगी। यहाँ पर देखें नीचे इनको कहा गया कि ये इस प्रोग्राम के लिए आइल है और इसको हुकूमत की जानिब से आहिल कर दिया गया है। लेकिन एक चीज नीचे अतलाए आम यहाँ पर लिखा गया, सभी लोगों के पास ये वाला मैसेज आ रहा होगा, अतलाए आम में ये चीज़ वाजह तौर पर बताई गई है कि अगर आप अपना जो सर्वे रजिस्ट्रेशन सेंटर में नहीं जाकर करवाते हैं अपना डायनेमिक सर्वे, तो फिर आपका ये जो 8500 रुपये की इमदाद आपकी शो हो रही है इसका मतलब अगली दफ़ा आपको हुकूमत की जानिब से पेमेंट कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये बार बार अलर्ट दी जा रही है कि आप अपना दोबारा सर्वे करवा लें, क्योंकि हर 3 साल के बाद हुकूमत की जानिब से सर्वे किया जाता है और इस सर्वे में जिन खानदानों को आयल किया जाना है उनको आयल कर दिया जाता है और जिन खानदानों को नाइल करना होता है, जिनका PMT स्कोर कम होता है उनको नाइल कर दिया जाता है। अब आप सर्वे किस तरह करवाएंगे, दो तरीकेकार, एक तो यह कि सेंटर में जाकर सर्वे करवाना पड़ेगा आपको, चाहे आप नहीं भी जाना चाहते तो फिर भी आपको जाना पड़ेगा। रीजन क्या है कि हुकूमत ने सेंटर में ही सर्वे का ऑप्शन रखा गया है, लेकिन ये आपको ये नहीं पता कि सेंटर कहां पे है या फिर आप अपना सर्वे के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, उसके लिए आपने नीचे आपको एक ऑप्शन दिया गया, यहां पर आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप यहां पर सर्वे को जैसे यहां पर टाइप करेंगे और टाइप करते सार फौरी तौर पर आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे एक नई वेबसाइट ओपन होगी उसमें आपने अपना क्या करना है, अपना जो सर्वे है वहां से आपने चेक करना है कि आपको इस प्रोग्राम की जानिब से आयल किया गया ना आयल किया गया, आपका सर्वे की डेट आई है नहीं आई है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाएगी। ऐसे कोई भी ऐसा रैंडम शिनाख्ती कार्ड यहाँ पर आप टाइप करेंगे फौरी तौर पर क्या कर तस्दीक करके टाइप करेंगे, आपका सर्वे भी आपको बताया जाएगा और आपकी पेमेंट भी आपको मिल जाएगी। अब बात आ जाती है तालीमी वज़ाइफ वाले बच्चों के लिए, तालीमी वज़ाइफ वाले बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है, तमाम गरीब खानदानों के अकाउंट्स में पेमेंट्स आ चुकी हैं। जिन दोस्तों के नहीं भी आने थे, जिन बच्चों के नहीं भी आने थे, इस दफ़ा उन दोस्तों को भी हुकूमत की जानिब से पेमेंटें मिली हैं। काफ़ी खवातीन हज़रात के बच्चों को आयल भी किया गया है, जिन खवातीन को नाइल कर दिया था उन तमाम खवातीन हज़रात के बच्चों के अकाउंट में पेमेंटें भी आई हैं, लेकिन उन बच्चों को पेमेंटें नहीं आई हैं जो बच्चे अपने स्कूल में रेगुलर नहीं थे, 70% हाजिरी से कम थी उनकी हाजिरी, अभी इस तरह के काफ़ी मिसाइल थे जिसकी वजह से उनको हुकूमत की जानिब से नाइल कर दिया है। तो उम्मीद है आज की शॉर्ट सी और मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में अच्छा सा कमेंट्स कर देना है। तो